कर्नाटक के चुनाव में मुद्दे तो इस बार कई रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने अपने घोषणा पत्र में लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन एक ऐसा मुद्दा आया जो सब पर ऐसा लगा कि भारी पड़ गया, और यह मुद्दा था बजरंग बली और बजरंग दल का। कैसे कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से चुनावों में बजरंग बली की एंट्री हुई और इसका क्या असर होगा, पहले हम आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए अपने संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र में चार गारंटी की बात जो आम लोगों के हितों से जुड़ी थी, मगर उसी घोषणा पत्र का यह हिस्सा चुनावों में बजरंग बली को ले आया। कानून और संविधान पवित्र है, जिसका उल्लंघन व्यक्ति और संगठन जैसे कि बजरंग दल, PFI या दुश्मनी और नफरत बढ़ाने वाले संगठन नहीं कर सकते। हम ऐसे किसी संगठन पर कानून के अनुसार कदम उठाएंगे जिनमें ऐसे किसी भी संगठन पर पाबंदी लगाना शामिल होगा। अपनी अगली ही जनसभा में पीएम मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। अब तो बजरंग बली पर भी ताला लगाना है। हमारी आस्था, हमारी धरोहरों भी वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से देखा गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया। बीजेपी पर जो मुद्दे को तोड़ने मरोड़ने का इल्जाम लगा, तो आज तक से बातचीत में अमित शाह ने इसका जवाब दिया। क्या बीजेपी बजरंग बली के सहारे इस बार चुनावी मैदान में आखिरी वक्त में ये मान रही है कि आप ऐसी ताकत झोंक रहे हैं कि बजरंग बली नैया पार लगा दें? देखिए अंजना जी, यहाँ उल्टा हुआ है। हमने याद नहीं किया है, कांग्रेस ने याद किया है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली को अपमानित करने वाली ये बात न रखती तो क्या मुद्दा होता? पीएम मोदी समेत तमाम नेता अपनी रैलियों में बजरंग बली का मुद्दा उठाने लगे। बजरंग बली तो अपने मंदिर में ही थे, एक कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को चुनाव के मैदान में ले आई है। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और कर्नाटक के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार को कहना पड़ा कि सरकार बनी तो हर जिले में बजरंग बली का मंदिर बनवाएगी। रामन पंट आंजनेय देवस्थान एला कड़े नाव कूड़ा आंजनेय देवस्थान आंजनेय दड़दू ना। वही डैमेज कंट्रोल में उतरे कांग्रेस के दूसरे नेता अपनी दलीलें देकर सामने आ गए। बजरंग बली और आम इंसान में फर्क आपको समझना होगा। बजरंग बली जैसे कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा ध्यानी, उससे बड़ा भक्त, उससे बड़ा बलशाली, ऐसा कोई आपको चरित्र पूरे चाहे रामायण हो, महाभारत हो, चाहे किसी में, आप उसकी तुलना बजरंग दल के किसी सदस्य से कैसे कर सकते हैं? आप कितना प्रधानमंत्री हो कि कितना झूठ बोलेंगे आप? लेकिन कांग्रेस के बैकफुट पर आने के साथ ही कुछ नेताओं ने माना कि PFI का जिक्र करने से बचा जा सकता था, लेकिन मुस्लिम वोट को JDS से अपने पाले में लाने के लिए शायद ये दांव चला गया। लेकिन चुनावी बहस में बजरंग बली भारी पड़े और आम आदमी के मुद्दे गुम होते दिखे। कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली और घर की महिला अभिभावक को 2,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया, तो बीजेपी ने गरीबों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने और 10 लाख गरीबों को घर देने का दांव चला। कांग्रेस ने BPL कार्ड धारक को हर महीने 10 किलो चावल और ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना देने का वादा किया। वहीं बीजेपी ने BPL कार्ड धारकों को हर दिन आधा लीटर नंदनी दूध देने की घोषणा की। बीजेपी ने समान नागरिक संहिता लागू करने का भी वादा किया, मगर उसने जब PFI और बजरंग बली का मुद्दा उठाया तो प्रियंका गांधी चुनाव में 5 पांडवों के अर्जुन को लेकर आ गए। जब अर्जुन को तीर मारनी थी तो सिर्फ मछली की आंख देखता था, उसको और कुछ नहीं दिखता था, सीधे निशाना मारता था, सीधे ऊपर देखते थे और उस निशाने से उनका ध्यान बिल्कुल नहीं हटता था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों,
कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ। चुनावी नतीजे साबित करेंगे कि कर्नाटक में भावनात्मक मुद्दे यानी बजरंग बली और पीएफआई जैसे मुद्दे चले या लोगों अपने हितों की गारंटी को चुना। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो 113 का जो जादुई आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी उस तक अभी नहीं पहुंच पाई है। कर्नाटक के इन चुनावों में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने भी जोर शोर से प्रचार किया। प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बेलगाम में रोड शो किया और उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में न केवल एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बल्कि ये जो जादुई आंकड़ा है इसे बीजेपी पालेगी, ऐसा उनका दावा है। 3 दिन से अभी बेलगाम में हूँ। कर्नाटक का इलेक्शन का माननीय मोदी जी और अमित भाई यहाँ पे आने के बाद यहाँ की प्रचार की हाइप बहुत ही बढ़ गई है। वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजोरिटी बहुमत के साथ यह आ रही है और डबल इंजन का सरकार फिर से एक बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बना रही है। 100% मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कल अमित भाई बेलगाम और बेलगाम जिले में पूरे प्रवास कर रहे थे, उनको जो उत्साह जो प्रतिसाद लोगों से मिल रहा था, 2 दिन पहले माननीय मोदी जी बेंगलोर में थे, जिस तरह का उत्साह है तो पूरे बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे आने वाली है। मैं एग्जैक्टली सीट नहीं बता सकता हूँ लेकिन ये तो जरूर बता सकता हूँ कि पूर्ण फुल मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। तुष्टीकरण का आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगा रही है। मेरे सहयोगी सौरभ वक्तानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, चाहे प्रधानमंत्री हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, बीजेपी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि एक तरफ बजरंग दल को बैन करने की बात, दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण की बात। ये बताइए, बीजेपी का ये जो आरोप है कि 6% अगर आरक्षण दिया जाएगा अल्पसंख्यकों को तो किसका काटा जाएगा वो 6%, इस पर कांग्रेस अपने बचाव में क्या कहती है? जी देखिए गौरव, काफी इंटरेस्टिंग फाइट इस वक्त हमें कर्नाटका में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से कि कांटे की लड़ाई इस वक्त हम कह सकते हैं। सबसे पहले तो अगर जो मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जिस हिस्से में घूम रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं नॉर्थ कर्नाटका, चाहे वो हुबली धारवाड़ हो या बेलगांव हो, और इस वक्त अभी मैं निप्पाणी में मौजूद हूं, तो यहां पे हालात काफी ज्यादा अलग मुझे दिख रहे। देखिए, ये ऐसे एज अ स्ट्रांग होल्ड हम बीजेपी का कहते हैं और लिंगायत कम्युनिटी का काफी ज्यादा वर्चस्व है यहां पर, लेकिन जैसे जैसे गौरव हम महाराष्ट्र की तरफ जो बॉर्डर की तरफ जाते हैं, जैसे ये निप्पाणी हो गया, बेलगांव हो गया, तो वहां पर मराठा वोट भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब देखिए, बजरंग दल फैक्टर की वजह से जिस तरह से हिमांशु भी बताए थे, कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट बीजेपी को जरूर मिला है, लेकिन कांग्रेस भी अब वो मुद्दे को नहीं छोड़ी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक चीज तो है लेकिन दूसरी तरफ अगर जो देखे तो महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा है यहां पर। मुझे ऐसा लग रहा है जितना हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं गौरव, जो जेडीएस जैसी पार्टी हो या अपक्ष जिसे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हो, जैसे निप्पाणी में अगर जो पीछे की आपको तस्वीरें दिखाओ, देखिए यहां पर 3 टर्म से जो है बीजेपी की शशिकला जोले जीतती आ रही है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है, लिंगायत कम्युनिटी से आती है, 50,000 से ज्यादा वोट्स लिंगायत कम्युनिटी के हैं, लेकिन देखिए पहली बार यहां पर एनसीपी अब मैदान में उतरी है। और मेरे ठीक पीछे आपको बता दूं, ग्राउंड में जगह नहीं है, उतने लोग यहां पर मौजूद है, पुलिस स्टेशन में लोग आ गए हैं। और यहां पर क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि एनसीपी के शरद पवार अब यहां पर आए हैं, जयंत पाटिल खुद यहां पर आए हैं और वो अब सभा ले रहे हैं, तो ये एकदम अलग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जो यहाँ पे जो कैंडिडेट है उत्तम पाटिल, वो जैन समाज से आते हैं और 25,000 से ज्यादा वोट उनके हैं, और कांग्रेस के काका साहब पाटिल मराठा वोटर्स के हैं, तो काफी ज्यादा हमें वोट डिवीजन हमें इस बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कांटे की टक्कर इस बार जो है बहुत ही 50-50 किसको होगा, ये अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा।